व्हीकल की, क्यों चला रही हो? तो सामान ऐसा बिखरा बिखरा पड़ा था, हमें यहाँ से भगा दिया। एक्सप्रेस हाईवे पे देखो टायर फट गया, ये जो लिया था ना। एक और प्रॉब्लम, हमारे घर से हम 100 किलोमीटर दूर और एक टायर पंचर। देखो हमारी गाड़ी को छोड़ने के लिए इतने सारे लोग आए हैं, क्योंकि हमारे दो टायर फट चुके हैं। अंकल बोले कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पर। सर की जैसी है मेरी बहन, गाड़ी के टोइंग किया है गाड़ी को, ये देखो। It's all about humanity. इतनी स्पीड में हम अपने लाइट को यहाँ लगा दिया सेफ्टी के लिए। उसका मस्त स्टोरी का कुछ पता ही नहीं है दीदी। Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज मेरा बर्थडे है और एक दिन बाद मैं आज मेरे बर्थडे के दिन ही व्लॉग पोस्ट करूंगी। तो व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था वो टेक जो फोन में था वो फोन थोड़ा खराब हो गया, इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो ये व्लॉग में है कि रात के 3 बजे जंगल में हमारी गाड़ी रुक गई थी और दोनों टायर पंचर नहीं फट गए थे। तो कैसे हमने ये सफर मैनेज किया आप देखना। तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, क्या करूँ लोगों का कहना है। तो गाइस हो रहे हैं रात के 3:30 और हमारी गाड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है, क्योंकि हमारे दो टायर फट चुके हैं और रात के 3 बजे हुआ ये सब एकदम ही सुनसान रास्ते पे जहाँ पे आई डोंट थिंक कुछ भी है। तो ये रास्ता कितना सुनसान है, अभी हम सामने वाले आदमी से हेल्प मांगेंगे लेकिन वो हेल्प देगा नहीं क्योंकि ये कलयुग है। अच्छा, लोग यहाँ पे बट उनके पास वो हेल्प भी कैसे करेंगे, उनके पास टायर थोड़ी ना होगा। अब कोई किसी पे भरोसा नहीं करता मैडम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो गाइस रात के 17, 18 बताया मैंने, 18 लोग को कॉल कर चुके हैं बट 20 लोग को कॉल कर लिए बट टायर किधर नहीं मिल रहा है। भी नहीं हो सकता है क्या? क्या हुआ है एग्जैक्टली? फट गया है एक्चुअली। होनाली कर्नाटका। So guys, हम एक जंगल में रुके हुए हैं, यहाँ पे चाय मिल रहा, जंगल के अंदर सब रुके हुए हैं और हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कोई ना कोई आएगा। ऐसा बोल रहे हैं, मैं उतर ही नहीं रही, तुम लोग को भी मना करी थी उधर बीच जंगल में, कौन उतरेगा? उतरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ये बीच जंगल थोड़ी, यहाँ तो लोग है तो डर नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं, सुनसान रास्ता। डर की किसी को भी उतरने नहीं दिया, मैंने ना खुद उतरी। तो ये अंकल ने अभी हमें आइडिया दिया है कि यहाँ पे रुको 6 बजे तक आराम से। तो एक अंकल ने एक अरेंजमेंट करके दिया, अंकल आ जाएंगे ना, वो 6 बजे आ जाएंगे ना। और अंकल का यहाँ पे भी दुकान है और यहाँ पे भी दुकान है और अंकल की बेटी रहती है बोरीवली में। खुश है हम, अंकल बोले कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पर, हम भी भूत है, हम ही सब। अंकल बोले उनको 18 साल हो गए इधर, तो बोले आप लोग आराम से इधर रहो, बाजू में गैरेज वाले वो सुबह आएगा, आपका नया टायर भी चाहिए वो लेके आएगा, आराम करो, नाश्ता पानी कुछ भी चाहिए मैं देता हूँ। तो इस जमाने में अच्छे लोग भी हैं। और तो अंकल के पास मसाला चावल भी थे तो उन्होंने हमें मसाला चावल बना के दिए, अब हम मसाला चावल खा रहे हैं। अच्छा एडवेंचर। मैं कांदा लेके आऊंगा, ये देखो। पिंटू भाई बैंगलोर गया था मैं, एक्सप्रेस हाईवे पे देखो टायर फट गया, ये जो लिया था ना नया वाला जो अभी तुमने दिलाए थे ना, पूरा फट गया ऐसे। यहाँ पे जो मैं तुमको बोला था ना, एक उसमें गांठ आया है टायर में। तो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी तक थोड़ा दिन निकल चुका है और ये लोग अभी सो रहे हैं गाड़ी में, कैसे कैसे सोए हुए हैं। सिमरन जागी हुई है, आरुष भी सो गया है, स्कान भी सो रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अयान रात भर से यहाँ वहाँ सब जगह कॉल लगा के टायर का अरेंजमेंट कर रहा है। तो गाइस अभी सुबह के 7 बज गए और अभी तक हम यहीं अटके हुए हैं और अयान बैग सब नंबर निकाल रहे गूगल से, जस्ट डायल का, और सबको उनको फोटो भेज रहे कि यह टायर का। तो जब तक वेट कर रहे थे रात को मेरी गाड़ी आ गई, देखो हमारी गाड़ी भी आ गई, हम तब तक रील्स बना रहे थे, अयान का फोन आया गाड़ी आ गई। ये गाड़ी पे हमारी गाड़ी उठ के जाएगी टायर वाले के पास तक। जी जी आराम से अंकल, दोनों टायर फट गया। हाय कैसे हो? हाय मुस्कान, हाय सिमरन। के बीच बीच में से जाओ कैमरा, एक रील ले लेना। भैया मारेंगे अंकल, उनको हिंदी नहीं आता। देखो हमारी गाड़ी को छोड़ने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। ये
ये बंदर की जैसी है मेरी बहन। ओके तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। मुस्कान दीदी बिना हाथ पकड़े गाड़ी पैर ऊपर करके क्यों चला रही हो? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। देखो आगे ट्रक भी है दीदी, ठोक दोगी दीदी? दीदी पकड़ो स्टीयरिंग, पकड़ो दीदी स्टीयरिंग पकड़ो। कितना में पहुंचेंगे हम लोग ट्रक पे? कैसे कैसे कितना टाइम? एक घंटा में पहुंचेंगे हम। और वहाँ पर भी टायर वो बोल रहे एक साइज बड़ा है या छोटा है, कुछ तो अपने साथ ही क्यों होता है? देखो पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, सबको ऐसा लगता है आपके साथ ही होता है, बट देखो जेन्युइनली होता है। मैं क्या करूँ, अब मैं जबरदस्ती थोड़ी ना टायर काट दूंगी। मुस्कान दीदी की मम्मी का वीडियो कॉल आ गया। मुस्कान दीदी वीडियो कॉल पे बात करते करते गाड़ी नहीं चला रही, गाड़ी चलाओ। गाड़ी अरे नाश्ता करने के लिए मुस्कान संभल के, नीचे रोड है तो अभी हमें इडली वड़ा खाएंगे। तो हम आ गए नाश्ता करने के लिए और मैंने ऑर्डर किया था डोसा, इसने दो बेड का चादर दे दिया, इसने मेंदू वड़ा, मैंने इडली और बहुत ही अम्मी। और आयान भाई क्या खा रहे हैं? आयान भाई खा रहे हैं इडली। मेरी बहन को किसी की सारी जरूरत नहीं, अपने आप उतर जाएगी। अरे फिर भी लिया तुमने। तो अब हम पहुंच चुके हैं टायर के पास, आपको टायर ठीक करेंगे, मतलब चारों टायर लगा, हमने चार टायर लिए ना? हाँ चार, चारों टायर हमने नया लिया है क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते। नया नहीं लिया है, सॉरी सेकंड हैंड लिया है फिलहाल। यहाँ पे नया नहीं मिल रहा इसलिए, नहीं मिल रहा इसलिए चारों टायर ले लिया, दो की जगह चार लिया, वो फिक्स करके फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे होगा हमारे गाड़ी का रिपेयरिंग, तड़न मुड़न फोड़ तोड़ फोड़ जो भी हो फटाफट हो जाए, फिर हम निकले मुंबई के लिए। अभी आशीष देख क्या रहा, धक्का मार। It's all about humanity. स्पेशल चाय आरुष के लिए आई है। फाइनली चारों टायर चेंज हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं मुंबई। पूरे 12 घंटे 13 घंटे हो गए एक्चुअली, ये सब होते हुए रात के 3 बजे हुआ था, अभी 4 बज रहे हैं। तो ठीक है, और थैंक यू सो मच भैया इतना हेल्प करने के लिए, और फाइनली हो गया। तो ऐसा भैया ने हमारा हेल्प किया था, फटाफट चारों टायर चेंज किया फटाफट। चलो जय महाराष्ट्र। चौबीस से 12 घंटा हो गया था, 15-16 घंटा में वही कपड़े पहनी थी, और हम लोग को अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था बट पंचर की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो कपड़े तो मुझे चेंज करने थे, तो मैंने कपड़े ले लिए, बस मैचिंग का एक हील्स ले लिया। तो अब हम आए हैं इतने दिनों के बाद खाना खाने को, खाना खा के निकलेंगे मुंबई के लिए, मुंबई के लिए जाएंगे रोड पे, रोड से पहुंचेंगे घर पे। तो फाइनली गाइस एक और प्रॉब्लम, हमारे घर से हम 100 किलोमीटर दूर और एक टायर पंचर। हमने बुलाया है पंचर वाले भैया को और एक टायर हो गया फिर से पंचर, क्या मालूम क्या मुसीबत आई है। चले जब तक चल रहा है, और पता है लोनावाला का वो एकदम घाट है, खंडाला घाट है, गाड़ी इतनी स्पीड में आ रही तो हम अपने लाइट को यहाँ लगा दिया सेफ्टी के लिए। तो जैसे कि ये गाड़ी स्पीड में आती है तो हमने ये लगा के रखा है सेफ्टी रहेगा। मुस्कान दी सो रही है, उनको पता ही नहीं गाड़ी पंचर हुआ है। मुस्कान दी मस्त सो रही है, कुछ पता ही नहीं है। दीदी सो जा। तो अभी ये दूसरा टायर फिटिंग किया है, बट ये छोटा साइज है, हमें घर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्ट करके जाना ही पड़ेगा। तो हमने सेकेंड हैंड टायर फिर से लिया है, और यहाँ पे आजकल टायर फट ही जाता है। अरे साइज का टायर नहीं था, छोटा टायर, अब देखते हैं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सामान ऐसा बिखरा पड़ा था तो हमें यहाँ से भगा दिया। गाइस हमारे पास टिकट नहीं था, टीटी ने हमको ट्रेन से उतार दिया और सामान ये रोड पे पड़ा है। रोड से तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर, और दोनों महारानी अभी तक सो रही हैं। ए उठो, ओ ये वड़ा पाव चाय वड़ा पाव, ये मिसल पाव, ये मुंबई की चाय, डिक्की। तो ये हालत हो गई हमारे गाड़ी की, अब हम उतारेंगे सामान।
तो फाइनली हम इतनी मुश्किल 12 घंटे का रास्ता हमने 30 घंटे में शायद कंप्लीट किया है और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। तो और मैं भाईंदर खाड़ी आई थी कुछ सामान डालने, हम बंदे से आए थे वहां पर। तो अब हम घर जा रहे हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू।